वेलकम टू एस जे इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्जॉटिक एक्वेटिक्स की बीटा फिश शॉप, एंड ये लोकेटेड है वकोला में, सांता क्रूज में। मैं आपको सबसे पहले लोकेशन बताने देना चाहता हूँ प्रॉपरली। सो यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये फेमस लैंडमार्क है वकोला मस्जिद। यहाँ से अंदर की तरफ आएंगे तो अंदर की तरफ से जो रास्ता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्जॉटिक एक्वेटिक्स का फिश शॉप, और ये कुर्ला स्टेशन से कुछ 4-5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। सो ये है सेंट एंथनी रोड जो वकोला मस्जिद के ठीक अंदर की तरफ आता है। सो नाउ विल प्रोसीड अहेड एंड एक्जॉटिक एक्वेटिक्स के बीटा फिश हम लोग देखेंगे। इनके पास हाल ही में बीटा फिश का स्टॉक आया हुआ है, वो देखेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुंबई महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये ऐसा एक ही बीटास में डील करने वाला, स्पेशली मेनली बीटास में डील करने वाला एक ही ऐसा फ़िश शॉप है। आपने शायद ही किसी फ़िश शॉप में ऐसे बीटास देखे रहेंगे जो इनके पास इनके कलेक्शन में। ये इम्पोर्टेड बीटास लेकर आते हैं, फैंसी बीटास, एक्सोटिक बीटास, अलग अलग वराइटीज़ के टाइप्स के बीटास आपको इनके पास देखने को मिलेंगे। मैं आपको अभी दूर से दिखा रहा हूँ, हम एक एक बीटा आपको क्लोजली जाकर दिखाएंगे। सॉरी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सोटिक एक्वेटिक्स इस बीटा फिश शॉप में एट प्रेजेंट मोर देन 500 बीटास है। तो अब हम मिलेंगे एक्सोटिक एक्वेटिक्स के ओनर्स के साथ। हमारे साथ है फारूक भाई और साहिल भाई। कैसे हो आप लोग? जी बिल्कुल सही है, और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे हो? आई एम गुड एज वेल। सो बहुत टाइम के बाद आया हूँ, बहुत टाइम के बाद बीटा फिश का स्टॉक आया हुआ है आपके पास। सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम से जब मैंने आपका बीटा स्टॉक कवर किया था, इस बार और एक्सोटिक फैंसी अनकॉमन बीटास देखने को मिली है, और मैं काफ़ी उत्सुक हूँ हमारी व्यूअर्स को वो सब वैरायटीज दिखाने के लिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी शॉप्स में आज तक विजिट किया हूँ, जितने भी शॉप्स में मैं गया हूँ, आज तक मेरे ख्याल से एक्सोटिक एक्वेटिक्स एक ऐसी फ़िश शॉप है जहाँ पर क्वालिटी तो है बीटास की, बट क्वान्टिटी भी हमें देखने को मिल रही है। सो आई थिंक सो कि मेरे हिसाब से ये एक ही फ़िश शॉप है मुंबई महाराष्ट्र में, तो आई एम श्योर कि एक ही फ़िश शॉप है जहाँ पर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी गोज इन हैंड। सो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप, आज इस स्टॉक के बारे में क्या दिखाने वाले हो हमारे सारे व्यूवर्स को वीडियो में? जी सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये नेक्स्ट टाइम वापस से आपने भी मतलब सहमति की कि हमारा वीडियो बनाया शॉप का, और मैं आपके स्पेशल जितने व्यूवर्स हैं आपके चाहने वाले, हमारे चैनल एक्सोटिक एक्वेटिक के चाहने वाले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमको बहुत रिस्पॉन्स मिला था, उससे पहले भी काफ़ी रिस्पॉन्स मिला था, और आपके चैनल के माध्यम से हमको काफ़ी दूर दूर से कॉल आ रहे थे। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, कश्मीर से, दिल्ली से, काफ़ी दूर दूर से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँ। और व्यूअर्स, जैसे आपको किसी को कोई मुंबई में आप हमारे शॉप पर आना चाहता है एक्सोटिक एक्वेटिक्स पे, और दिक्कत होती है आने में, तो ये काफ़ी नज़दीक में शॉप है, जैसे कि लैंडमार्क में आपको वीडियो में दिखा दिया है, और जैसे वकोला मस्जिद नज़दीक है, सांता क्रूज से भी आप नज़दीक से आते हो, वेस्टर्न रूट या सेंट्रल रूट दोनों क्लोज पड़ते हैं, 3 या 4 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं, आप इजीली आ सकते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो साहिल भाई का नंबर और मेरा नंबर दोनों का आपके पास है, नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप हमें कभी भी कोई भी टाइम पर कॉल कर सकते हैं, और शॉप हमारा 11 रात में 11 बजे तक चालू रहता है, आप कभी भी बेझिझक कॉल कीजिए। और हाँ, स्पेशली अभी आपको मैं थोड़ा सा बीटास के बारे में बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम आपने जो वीडियो में देखा था, हमारे पास बहुत रेयर वैरायटी की बीटास आती है, और हमारे पास अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पास तकरीबन 1000 बीटा आ चुकी है, वापस से नया स्टॉक फुलफिल हुआ है, और ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और ये काफ़ी रेयर वैरायटी, पिछली वैरायटी से और ज़्यादा एक्जॉटिक और रेयर वैरायटी के बीटास आए हैं। आपको डिटेल में साहिल भाई बता देंगे पूरा डिटेल से, टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं, आपको कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन अगर आपको करना है तो डिटेल में आपको साहिल भाई पूरी टेक्निकल चीज़ें बता देंगे, बीटास की क्वालिटी, फूड से रिलेटेड। मैं आपको बेसिक थिंग बताता हूँ कि हमारे पास इतना सारा वैरायटीज आप जैसे डिस्प्ले में देख सकते हो, या हमारे रैक से डिस्प्ले के, और बीटास के नीचे भी रखा हुआ है हमारे पास, टोटल 1000 क्वान्टिटी की तकरीबन बीटास रखेंगे, आपको बहुत सारी वैरायटी इसमें देखने मिलेगी दोस्तों। और अगर आपको लेना है तो आप कभी भी, हमारा 11 तक शॉप चालू रहता है, कभी भी आप मुंबई से हो हमें एक कॉल कीजिए, हम आपको पूरा रूट दिखा देंगे, और आप हमारे शॉप पर विजिट कीजिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप बीटा देख कर लीजिए, शॉप पर आकर लीजिए, आप आइए, अपने हिसाब से चूज़ कीजिए, क्वालिटी देखिए,
उसके कलर्स देखिए, उसकी वराइटीज देखिए, आपको जो वराइटीज की आप चॉइस कीजिए, आपको हमारे यहाँ से सब क्वालिटी की हर तरह की बीटा मिल जाएगी। बाकी डिटेल्स में आपको साहिल भाई पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, सो वेलकम टू एजी इंसेप्शन, आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू। लाइक आप काफ़ी दूर से आके वीडियो शूट करते हो हमारा, एंड दिस टाइम एज बहुत टाइम के बाद बेटा का स्टॉक आया है, सो आई वुड लाइक यू एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल टू एंजॉय ईच एंड एवरी फाइटर हुए हियर, क्योंकि काफ़ी रेयर वराइटीज, मोस्ट ऑफ द कलर जो हमेशा नहीं आते हैं, इस बार काफ़ी वराइटीज़ आई है, लाइक मस्टर्ड गैस हो गए, गोल्डनज हो गए, नीमो कैंडीज है, देन वी हैव बटरफ्लाइज, ब्लड रेड्स, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड यहाँ पे तो इन टोटल मिला के अराउंड 1000 पीसेज आर अवेलेबल। तो ऐसा कोई कलर नहीं रहेगा जो आपने सोचा होगा आपको चाहिए रहेगा एंड दैट यू नॉट फाइंड इट ओवर हियर। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन सी ऑल ऑफ द फाइटर्स इंडिविजुअली वॉट एवर इन द टैंक्स, एंड बाकी हम यहाँ के जो बाकी वराइटीज आपको ऊपर से दिखा देंगे, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए वीडियो को। सो इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच the beta collection at Exotic Aquatics, and we are showing you the first beta fish. इसने अपनी पूरी fins फैला के रखी है, बहुत ही eye pleasing नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। जी साहिल भाई, तो ये actually it is a blood red half moon sky hawk. अच्छा, sky hawk in the sense इसका जो dorsal fin होता है जो straight ऊपर रहता है, it is more inclined towards the head. अच्छा, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, सो दीज आर ब्लड रेड ब्लू आईज फ्रॉम द हॉक सीरीज। अभी जैसे आप देख रहे हो जी, इसका जो डॉर्सल मतलब जो फ्रंट का फिन है उसका, इट इज मोर ओवर बेंड टुवर्ड्स द फ्रंट, सो दैट वाज फ्रॉम द हॉक सीरीज। ओके, तो ये ब्लड रेड ब्लू आईज हॉक सीरीज में से है। सो दिस इज द नेक्स्ट बीटा दैट वी आर वाचिंग, अपना हाफ मून ब्लड रेड, दिस इज नॉट फ्रॉम अ हॉक सीरीज, दीज आर रेगुलर ओवर हाफ मून्स, ओके, रोज टेल वैरायटीज। भाई इसका मैं अगर बॉडी के ऊपर स्केल्स भी देखूँ तो वो भी शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है, बिकॉज मैंने आज तक कई सारी बीटास देखी है रेड वाली, बट इस बीटा में कुछ अलग मुझे देखने को मिल रहा है कि इसकी बॉडी के स्केल्स जो है वो हाइलाइटेड है। सो बिकॉज ये कुछ एक्सोटिक है, इसके जेनेटिक्स कुछ अलग है, दैट इज़ द रीज़न कि ये मतलब इतनी अलग है बाकी बीटास से। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ब्लड रेड्स तो आते हैं बहुत कम है, यू गेट रेड्स आते हैं जिसमें बॉडी का कलर थोड़ा फेड आउट होता है और उसके फिन्स यूजुअली प्योर रेड रहते हैं, बट ये वैरायटी थोड़ा थोड़ा एक्सक्लूसिव है, जैसे पहले बताया आपको जो आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिव ही मिलेंगे, तो उनके बॉडी एंड फिन्स का कलर टोटली सेम रहेगा, इनफैक्ट बॉडी वुड बी डार्कर देन द फिन्स, दैट इज नॉट रियली फाउंड इन रेड्स। ओके, तो किसी के बॉडी पे स्केल्स है विच हैव ब्लू इन इट, गोल्डन, जैसे आप नीचे बताएंगे गोल्डन ड्रैगन्स है which have golden bodies and red fins है, वैसे बहुत सारे हैं, इनके थोड़ा usually अलग अलग varieties आ जाते हैं red में। जैसे आप देख रहे हो उसका blue scales, blue dots है body के ऊपर with red fins। Exactly, ये shine कर रहे, glow कर रहे। And anyway, जो ये light तो अपना normal white light है, still if you can see the color of the fishes, काफी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है। अगर इसे कोई हॉबीस्ट लेता है एंड इसे प्रॉपर लाइटिंग में रखता है तो ये और भी उठ के दिखेंगे, शाइन करेंगे। अगर इसको आपने रेड लाइट वगैरह एडिशनल डाल दिया तो फिर इट विल बी मतलब काफी ज्यादा शाइन हो जाएंगे, बट ये अभी फिलहाल नॉर्मल वाइट लाइट्स में चल रहे हैं। सो हियर इज अनदर बीटा विद अ स्ट्राइकिंग अपीयरेंस, बॉडी और इसके फिन्स में बहुत ही अजब सा गजब सा कलर कॉम्बिनेशन है। ये वाली साहिल भाई क्या पीस है? ये मेटालिक रेड ड्रैगन है, जो आप इसके बॉडी पे देखोगे स्केल्स विजिबल है, दैट इज इन मेटालिक कलर, एंड उसका जो बाकी का पूरा फिन्स है दैट इज प्योर रेड। ओके, रेड में थोड़ा मेटालिक शेड आ रहा है, सो दिस इज अगेन अ ड्रैगन स्केल मेटालिक वो उसके अंदर भी ये हो जाता है, मिक्स हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो थोड़ा यूनिक कलर है, ये भी रोज टेल पैटर्न में, एंड इसका जो आप पीछे देखोगे एजेस इट इज ब्लैक इन कलर, राइट, एंड ये भी 180 प्लस टेल है, ओवर हाफ मून वैरायटी में। यहाँ पे नेक्स्ट बीटा है, काफ़ी हलचल कर रही है, बहुत ही स्विफ्ट है। ये वाली साइल बाई कौन सी बीटा है? ये एक्चुअली बाई कलर ओवर हाफ मून है, आप इसका फिन्स देखेंगे इट इज मोर देन 180 स्प्रेड, और ये रोज टेल पैटर्न में है जी। इसके बॉडी पे ब्लू स्केल्स हैं एंड इट इज टोटली रेड इन कलर, राइट,
जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था रोज टेल वो भी था, बट दीज द पेटल जो फिन्स है दोज आर मोर प्रोमिनेंट इन रोज टेल, जैसे वो फेदर्स जैसे रहते हैं, ये एग्जैक्टली वही एक पीस है जो आप बोल रहे हो. इफ यू सी प्रॉपरली रोज टेल प्रॉपर है, वंडरफुल, एंड इट इज मोर देन 180 स्प्रेड, तो दीज आर कॉल्ड ओवर हाफ मून्स. यूजली जो फुल मून्स बोलते हैं जी जी, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फुल मून, ओवर हाफ मून्स है ये, मोर देन 180 टेल स्प्रेड रोज टेल में है. ओके, प्रॉपरली हेल्दी फिशेज हैं जी जी, कोई इश्यूज नहीं है इसमें, ना फिन्स के ना. यूजली पीपल दे से क्या फिशेज लेके आते हैं तो काफ़ी सुस्त हो जाते हैं वगैरह, तो वेन एव यू टेक इट फ्रॉम अ रेप्यूटेड प्लेस जहाँ से आपको ट्रस्ट हो वहाँ से लीजिए फाइटर्स, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी जल्दी. राइट, ये है एक्सॉटिक एक्वेटिक्स की अगली अमेजिंग बीटा. जब भी मैं इनके पास आता हूँ हमेशा इनका स्टॉक देख के बहुत ही अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिकॉज ऐसे बीटा मुझे कहीं पे देखने को नहीं मिलते. बीइंग अ बीटा फिश लवर, बीटा कीपर, हमेशा ही ऐसा लगता है कि इनको देखते जाऊँ एंड वीडियो भी शूट करना होता है, बट इनको देखने में इतना मज़ा आता है, बिकॉज ऐसे बीटास आपको कहीं पे किसी और शॉप में नहीं देखने को मिलेंगे. ये वाली बीटा साहिल भाई, इस बीटा को मैं देख रहा हूँ, ये बहुत ही अलग सी अनकॉमन दिखाई दे रही है. इसका टेक्सचर, इसका पैटर्न, इसका कलर, ये बाकी बीटा से बहुत ही अलग स्टैंड हो रहा है. ये क्या वैरायटी है? ये दीज आर मेटालिक, इफ यू प्रॉपरली आप देखोगे ये रोज गोल्ड कलर है. अच्छा, बहुत कम आता है, गोल्डन आता है. लास्ट टाइम गोल्डन का रिक्वायरमेंट था तो गोल्डन हुआ लास्ट, अब पिछली बार रोज गोल्ड का रिक्वायरमेंट आया था जी जी, तो ये एक्सक्लूसिव रेंज में ओवर हाफ मून्स एंड हाफ मून्स रोज गोल्ड में भी आया हुआ ड्रैगन स्केल्स में. ओके, तो ये जितने भी साइड में भी आप देखोगे इसके बाद में रोज गोल्ड एंड मेटालिक्स, रोज टेल, एश ग्रे, ब्लैक ड्रैगन्स, रेड ड्रैगन्स, ऑरेंज ड्रैगन्स, पिंक ड्रैगन्स, जितने भी ड्रैगन्स वैरायटी यूजुअली आती है जी जी, कलर्स कॉमन रहेंगे पर उनकी क्वालिटीज अनकॉमन रहेगी यहाँ पे. ओके, तो वो सब चीज आपको दिखाई जाएगी इसमें. ये रोज गोल्ड में है ड्रैगन वैरायटी. आई मस्ट से साहिल भाई, इतने क्वांटिटी में आप रखते हो, पर हर एक बीटा जो हम लोग दिखा रहे हैं वो हर एक बीटा प्रॉपर अपने फॉर्म में है, कोई भी बैठी नहीं है, कोई भी सुस्त नहीं है. तो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू गाइज, यू बोथ, बिकॉज इतने बीटास को रखना, उनको राइट वे में रखना, ठीक से रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, एंड यू आर डूइंग इट अमेजिंगली. एंड ये बिकॉज दिस इज a thing that we use, we have a herbal water. Okay. इसका description वगैरह will give it to you. Oh. पहले herbs आते थे, now we've come up with a herbal water which is imported from Thailand. Oh. तो that will be available soon. अभी फिलहाल available था, but stock खत्म हो गया है. अच्छा. That comes in a quantity of 20 to 30 ml depending on the fish and tank में आपको मिल जाएगा. Samples भी start में मिलेंगे आपको free में. Okay. After that you can buy them, use it. Which we use it as of now. Okay. तो herbal water, almond leaf तो आप देखोगे वो रहता ही है. जी जी. But herbal water is more beneficial for these fighters, जो natural herbs रहते हैं. अच्छा. It is an ingredient and उसका water create किया जाता है concentrated and आप इसके अंदर water में डाल के उसको dilute कर सकते हो. That is more beneficial for the fishes. Okay. So here is an amazing, beautiful betta fish. इसकी अगर आप सारे fins देखोगे तो हर एक fin के बीच में और बॉर्डर में आपको व्हाइट कलर देखने को मिलेगा. व्हिच इज दिस बीटा भाई? दिस इज अगेन अ गोल्डन, इट इज व्हाइट तो एजेस पे है, बाकी बॉडी पे स्केल्स जो है दैट इज प्योरली मेटालिक स्केल्स. राइट. एंड इसके जो एजेस पे फिन्स पे है दैट इज गोल्डन इन कलर. ओके. दिस इज अ मेटालिक गोल्डन रेड. जैसे आप देखो ये भी 180 टेल प्लस है, इसका हाफ मून ओवर हाफ मून वैरायटी में आते हैं. जी जी जी. दिस इज अगेन मेटालिक रेड गोल्डन वाला है, ओवर हाफ मून वैरायटी में है. मतलब ड्रैगन वैराइटीज हमेशा से रिक्वायरमेंट इसका रहता ही है. जैसे आप अभी देख सकते हो 180 टेल प्लस ऐसा क्लॉडल फिन, जो पीछे का फिन होता है वो स्प्रेड इज मोर देन 180 डिग्रीज, दैट आइडेंटिफाइज इट टू बी अ ओवर हाफ मून. राइट. और उस एंगल से आप दिखाई दोगे आपको ऑफिस से, तो स्प्रेड जो होता है 180 प्लस होता है. यूजली ओवर हाफ मून का किसी को ज्यादा आइडिया नहीं रहता है व्हाट इज ओवर हाफ मून, व्हाट इज अ हाफ मून. राइट. अब आप देख सकते हो 180 से ज्यादा स्प्रेड जब होता है कोई भी फिश का क्लॉड क्लॉडल फिन जी जी, दैट इज कॉल्ड एन ओवर हाफ मून. ओके. और यही फुल मून बोल के जो यूजुअली बेचते हैं जी 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 लोकल शॉप में, दैट इज व्हाट इट इज. सब हम आपको दिखा रहे एक अगली कमाल की स्ट्राइकिंग अपीयरेंस वाली बीटा. इसके भी पैटर्न्स बेहद गजब के हैं. ये वाली साहिल भाई क्या बुलाते हैं इसको? ये भी अगेन एक रोज टेल रोज गोल्ड में है. अच्छा. ड्रैगन वैरायटी. अच्छा. जो काफ़ी कम आती है इस बार, मतलब ड्रैगन्स एंड रोज गोल्ड्स के काफ़ी कलेक्शन आए हैं. ओके. तो दीज आर ऑल हाफ मून्स. रोज टेल भी आजू में रखा हुआ दिखा देंगे. ये रोज गोल्ड कलर में है. रोज गोल्ड में. या रोज गोल्ड ड्रैगन स्केल्स. ओके.
सब हाफ मून एंड ओवर हाफ मून के है सब। इसकी स्केल्स भी, इनकी स्केल्स भाई कुछ मतलब अलग होती है, बिकॉज चमक रही है थोड़ी सी। एग्जैक्टली, ड्रैगन स्केल्स जो रहते हैं उनके स्केल्स आप मेरी प्रोमिनेंट आते हैं स्केल्स उनके। ओके, आप देखोगे यूजुअली मस्टर्ड गैस वगैरह अलग कलर रहता है जी जी, उनके स्केल्स आर नॉट प्रोमिनेंट। एंड जो ड्रैगन वैरायटी है उनके ड्रैगन स्केल्स प्रोमिनेंट रहते हैं। ड्रैगन स्केल्स के आप डीपी देखोगे एजेस पे एक ब्लैक कलर भी रहेगा उसमें जी 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 जी, दैट इज व्हाट मेक्स अ ड्रैगन स्केल मोर प्रोमिनेंट। ओके, एंड इसी तरीके से ड्रैगन वैरायटी आइडेंटिफाई होती है। सो यहाँ पे एक बेहद कमाल की बीटा है, इसके बॉडी के आप कलर्स देखेंगे बहुत सारे, जहाँ से इसकी फिन शुरू हो रही है, टेल फिन, कॉडल, एनल फिन, हर एक फिन के बॉर्डर्स के ऊपर इसको व्हाइट कलर है। साहिल भाई ये वाली कौन सी है? ये एक्चुअली एक बटरफ्लाई पैटर्न है, यूजुअली पीपल दे कॉल इट स्पाइडरमैन कलर जैसा बोला जाता है। अच्छा, तो स्पाइडरमैन कलर में है, बटरफ्लाई पैटर्न में, बटरफ्लाई पैटर्न में, स्पाइडरमैन जो है कलर यूजुअली बोल के इसको बेचा जाता है। ओके, स्पाइडरमैन बेटा, तो ये ओवर हाफ मून में है स्पाइडरमैन कलर में। ओके, बटरफ्लाई पैटर्न में। अच्छा, सो कुछ कुछ बीटास जो है मतलब बेहद ऐसा लगता है भाई कि उनको देखते जाऊं। सो ये उनमें से एक है, बिकॉज इसके बॉडी के ऊपर इतना डिस्ट्रीब्यूशन है कलर्स का, और वो कलर्स भी मतलब कुछ बॉडी के ऊपर अलग है, उसके टेल फिन के स्टार्टिंग में कुछ अलग है, बेहद कुछ अनोखी है। देखोगे गौर से तो इसका जो पीछे का जो बैंड है दैट इज प्योर, मतलब एग्जैक्टली व्हाइट जो बैंड है, यूनिफॉर्म बैंड है। ओके, कहीं से इसका रेड या अलग कलर कहीं ब्लीड नहीं हुआ है व्हाइट के अंदर। जी जी जी, तो वो थोड़ा उसको और प्रीमियम बना देता है उस चीज़ को। सो हियर इज अनदर बीटा, अगर आप इसकी फिन्स के बॉर्डर्स देखेंगे तो दे आर ट्रांसपेरेंट। ये कुछ अलग यूनिक वैरायटी बीटा में मेरे को दिखाई दे रही है। साहिल भाई ये क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? ये ड्रैगन स्केल्स में एक वाइट बटरफ्लाई है। अच्छा, ये सब जगह जैसे एंजल जैसा लग रहा है वो। जी जी जी, तो प्योर वाइट है बटरफ्लाई पैटर्न में एंड विद ड्रैगन स्केल्स। यूजुअली ड्रैगन स्केल्स वाइट पे बहुत कम आता है। This is with a dragon scale and right. Just next to it again there is a white one with dragon scales. ये भी platinum white type में है। Okay. इस पर भी dragon scales है, but इसको एक थोड़ा सा spot है, जो butterfly है that is totally spotless. Okay. ये दोनों white colors में आपके पास। Okay. जैसे आप देख रहे हो उसके face पे, lips पे भी। But this one is looking like a total angel. Exactly. थोड़ा angel जैसे ही लग रहा है वो। और बिकॉज इसकी अगर मैं यूनिकनेस कहूँ तो जो इसके बॉर्डर्स के जो मतलब फिन्स है वो कंटिन्यू होते हैं बट ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, इसकी वजह से इसको बहुत ही एक यूनिकनेस के मतलब क्लास में इसको रख देते हैं। ये सेलोफोन बटरफ्लाई जैसे आप बोलते हैं, यूजुअली बटरफ्लाई का वाइट बैंड होते हैं जैसे आपने वो स्पाइडरमैन कलर में देखा था। जी जी, दीज आर कॉल्ड सेलोफोन बटरफ्लाई जिसमें ट्रांसपेरेंट एजेस रहते हैं बटरफ्लाई पैटर्न के। ग्रेट, दिस इज द नेक्स्ट बीटा फिश। ये वाली साइल भाई क्या है? ये एक फैंसी है, वाइट फैंसी में। अच्छा, इसके बॉडी पे भी इफ यू सी ऑलमोस्ट वाइट है एंड सिर्फ इसके जो फिन्स है पीछे के जी जी उसके ऊपर ब्लैक कलर के पैचेस है, लाइक लेपर्ड पैचेस जैसे आप कहते हैं, मोजैक पैटर्न जो होता है। ओके, तो सिर्फ उसके क्लॉडल फिन के ऊपर मोजैक पैटर्न है। ओके, आप देख सकते हो बॉडी पे भी थोड़ा ड्रैगन स्केल्स है एंड ओनली द क्लॉडल फिन लाइक अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज पे यूजुअली जो पैटर्न होता है वैसे टाइप के पैटर्न्स के सिर्फ क्लॉडल फिन पे, बाकी इट इज टोटली वाइट एंड सिलिकॉन इन कलर। राइट राइट, एंड बॉडी के ठीक नीचे भी इसको पैटर्न आया हुआ है। यस, तो जैसे जैसे ग्रो होगा वो पैटर्न वुड थोड़ा स्प्रेड होते रहेगा, तो दिस इज ऑल्सो अनदर यूनिक। सो आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स बेहद खुश हुए होंगे ये स्टॉक देखे, बिकॉज अभी तक हमने जितने भी बीटास देखा है हर एक बीटा में हमको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल रहा है, अलग फिन्स का पैटर्न, फिन्स का कलर, बॉडी के ऊपर शाइनी स्केल्स, अलग सा टेक्सचर देखने को मिल रहा है। सो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी बीटाज उनको कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पे एक चुलबुली बीटा फिश, इसके कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो बेहद बढ़िया है। ये वाली साहिल भाई क्या है? ये एक फैंसी बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई जैसे मैंने आपको बताया था वाइट बैंड पीछे रहता है। जी जी जी, दैट इज बटरफ्लाई एंड ये जो कलर है इट इज अ ब्लू एंड वाइट फैंसी कलर। ब्लू एंड वाइट, राइट। एंड ये वाइट जो है थोड़ा प्रोमिनेंट है, जैसे आप नोटिस करोगे हाफ बॉडी इसकी ब्लू है, राइट राइट, एंड हाफ वाइट है, तो ये थोड़ा जैसे मैंने बताया था एक्सोटिक एक्विटिक्स में आपको बेटास के कलेक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जी जी जी, एब्सोल्युटली गॉर्जियस कलर्स, पैटर्न्स, वैरायटीज आपको सब मिल जाएगी यहाँ पे, तो दिस इज वन ऑफ द एक्सक्लूसिव यू कैन से वैरायटीज के जो हमारे पास आए हैं। इसकी आंखें अगर ऐसा लग रहा है कि ब्लू है, वहां से व्हाइट कलर जो है वो शुरू होता है, उसके बाद में ठीक सेंटर बॉडी के सेंटर में
जो है ब्लू कलर शाइन हो जाता है और उसके बाद में वो टेल फिन कॉडल एनल फिन वहाँ तक स्प्रेड हो जाता है एंड फाइनली एक फिन्स के हमको बॉर्डर्स में ट्रांसपेरेंट वाइट जैसा कलर देखने को मिल रहा है। इसके आईज के आप थोड़ा गौर करो तो आईज के ऊपर भी हल्का सा इसके आईज के अंदर भी ब्लू कलर है राइट राइट एक्जेक्टली यस इट हैज ब्लू आईज तो दैट मेक्स द फिश मोर प्रोमिनेंट जैसे फ्रंट से आप देखोगे उसे तो इट शाइन्स ब्लू एज वेल। ये एक फैंसी वैरायटी है जैसे आप देख सकते हो उसके फेस के पास भी वाइट पैच है नियर इट स्टिक्स आईज को जो कवर करता है बाकी बॉडी पे इस पे तीन कलर्स है लाइक ब्लैक ब्लू एंड रेड राइट जो एनल फिन एंड इसका जो डोर्सल फिन है उसके ऊपर रेड है बाकी ब्लू कलर है एंड एजिस पे ब्लैक है एंड फेस के पास भी थोड़े वाइट पैटर्न है। सो दिस इज द नेक्स्ट बीटा फिश। अगर आप इसके फिन्स के सेंटर के तरफ देखोगे तो शाइनी कलर आया हुआ है ग्लो कर रहा है वो कलर स्ट्राइप्स है। ये वाली भाई कौन सी बीटा है? ये एक्चुअली एक मस्टर्ड गैस है येलो मस्टर्ड गैस बोलते हैं। अच्छा मस्टर्ड गैस मस्टर्ड इसलिए बिकॉज येलो जो फिन्स होता है दैट इज काइंड ऑफ मस्टर्ड कलर एंड जो ये ब्लू है जी जी इफ यू सी गैस का जो फ्लेम होता है दैट इज स्लाइटली ब्लू सो ये एक रोज टेल ओवर हाफ मून मस्टर्ड गैस कलर में है रोज टेल वैरायटी जैसे मैंने आपको बताया इसके एजेस जो आप देखोगे इट हैज लाइक फ्लावर पेटल्स राइट तो वो पेटल्स के वजह से लाइक रोज पेटल्स जैसे होते हैं उस पेटल्स के वजह से दीज वैरायटीज आर कॉल्ड रोज टेल्स जी इंडिविजुअल अगर आप पेटल्स देख के होल्ड करोगे तो पेटल्स वुड बी इन सम काइंड ऑफ दिस फॉर्म दैट इज द रीजन दीज आर कॉल्ड मस्टर्ड गैस रोज टेल। तो इसके बॉडी जो है पूरी डार्क ब्राइट ब्लू कलर की एंड कॉडल फिन पे अगर हम देखेंगे तो फेडेड ब्लू कलर है जो ग्लो कर रहा है। एग्जैक्टली ये वही मैं बता रहा हूँ जैसे मस्टर्ड गैस आपको सब बहुत जगह मिल जाएगी बट जो क्वालिटी आपको एक्सोटिक एक्वाटिक्स में मिलेगी वो क्वालिटी आपको मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं मिलेगी बिकॉज माइस भी आया सिर्फ वो हॉबीज बिफोर तो अगर आप एक हॉबीज के नजरे से देखोगे तो मतलब ये क्वालिटी काफी बेटर रहती है नो डाउट इन दैट साहिल भाई क्योंकि इतने सारे बीटास देखने के बाद आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स ने जहाँ पे वो गए होंगे जहाँ पे भी वो विजिट किए होंगे ऐसा बीटा फिश का कलेक्शन क्योंकि मैं इतने सारे शॉप्स में विजिट किया हूँ मुझे देखने को नहीं मिला अभी तक तो आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स को भी ऐसा कलेक्शन तो देखने मिला नहीं रहेगा इतने अनोखे यूनिक एक्सोटिक पैटर्न के बीटास नहीं देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपने बोला है आपने नहीं देखा तो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अस एज वेल बिकॉज आप काफी दुकानों में घूमे रहोगे होलसेल रिटेल बॉम्बे कहाँ बट इफ यू से यू हैव नॉट सीन तो ये एक्चुअली हमारी एक कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। So, साहिल भाई ये वाली जो बीटा मैं देख रहा हूँ इसका कलर कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है ये एक जैसे मैंने पहले बताया था मस्टर्ड गैस थी दिस इज एन ऑरेंज गैस मस्टर्ड गैस जो बिकॉज इट वाज येलो इन कलर एंड इसका थोड़ा ऑरेंजिश पैटर्न है एंड विद दैट गैस फिनिश जैसा ब्लू एंड ब्लूइश टाइप का जो रहता है सो दीज आर कॉल्ड ऑरेंज गैस ओके ये भी हाफ मून वैरायटी में है एंड ये थोड़ी साइज भी काफी थोड़ी बड़ी है कंपैरेटिवली। दिस इज द नेक्स्ट बीटा फिश और इसके कलर्स बेहद लवली दिखाई दे रहे हैं ये वाली साहिल भाई कौन सी है? ये एक फैंसी बटरफ्लाई है ओवर हाफ मून में ओवर हाफ मून एंड हाफ मून जी आपको देखने मिलेगी जैसे आप देख सकते हो उसका कलर काफी वाइब्रेंट है जी एंड इसका सिलिफन एंड वाइट कलर के एजेस है पूरे बॉर्डर बॉडी पे फिंस है इस पे जी जी एंड इसका बॉडी और उस फिंस पे थोड़ा सा कलर ब्लीड हुआ है तो ये एक बटरफ्लाई पैटर्न है फैंसी बटरफ्लाई ब्लू में आप देखोगे इसको जी जी जी। ये भी एक मस्टर्ड गैस है पर इसमें आप देखोगे तो थोड़ा येलो जो मस्टर्ड कलर रहता है दैट इज मोर प्रोमिनेंट और काफी वाइब्रेंट है जैसे आपने देखा सब कलर वाइब्रेंट ही है बट इसमें थोड़ा येलो का टिंट जो है थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट एंड अट्रैक्टिव दिख रहा है जी जी देखो जैसे फ्लेयर करिए पूरा 180 प्लस टेल पैटर्न है उसका एंड उसके पीछे जो रेज जाते हैं जो ब्लू रेज है दोज आर ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट ब्लैक के थ्रू वो ब्लू रेज जा रहे हैं बहुत लंबे भी है वो जितनी उसकी टेल फिन है उतने लंबे है वो करेक्ट तो इसके ब्लू जो रेज जा रहे हैं वो भी थोड़ा प्रोमिनेंट है लाइक अ गैस फ्लेम राइट और जो मस्टर्ड कलर्स है वो भी काफी प्रोमिनेंटली विजिबल है इसमें राइट ये एक्चुअली रोज टेल पैटर्न में है और इसका कलर काफी फैंसी कलर्स है लाइक वाइट ब्लू ब्लैक सेलिफिन वो सब कलर्स इसके अंदर अवेलेबल है ओके हियर इज द नेक्स्ट बीटा फिश व्हिच इज दिस वन बाय दिस इज आल्सो अ मस्टर्ड गैस ओवर हाफ मून वैरायटी में है ये ओके लाइक मस्टर्ड गैस के काफी कलेक्शन है हमारे पास इस बार कम से कम 25 25 टू 30 पीसेस आर अवेलेबल ओनली फॉर मस्टर्ड गैस वैरायटीज ओके सो अब हम जो वैरायटी देख रहे हैं बीटा की ये भाई कुछ अलग दिखाई दे रही है ये कोई वैरायटी है इट इज कॉल्ड अ टाइगर कोई जैसे यूजुअली टाइगर पे ब्लैक ब्लैक एंड येलो स्ट्राइप्स रहते हैं अच्छा इसके एक साइड में फिर टाइगर पैटर्न रहता है
इट कम्स अंडर अ कोई वैरायटी, तो ये टाइगर कोई है, येलो एंड ब्लैक. ओके, एंड इसके पीछे आप देख सकते हो एक फीमेल है, दैट इज आल्सो अ फीमेल. ओके, वो एक रेगुलर हाफ मून फीमेल है. जैसे आप देख सकते हो 180 टेल फीमेल का भी आप नोटिस करोगे, फीमेल का टेल आल्सो शुड हैव 180 स्पैन फॉर इट अ फीमेल टू बी कॉल्ड एज अ हाफ मून फीमेल. ओके, सो बाकी बीटा से इनकी साइज थोड़ी कम होती है. एग्जैक्टली, ये जो प्लकेट वैरायटीज होते हैं इनके बॉडी साइज बड़ी होती है, पर इनके फिन्स जो रहते हैं ये कंपैरेटिवली थोड़े छोटे रहते हैं, बिकॉज़ दे आर मोर एग्रेसिव. ओके, फिन्स साइज छोटी होती है, बॉडी साइज उतनी होती है. बॉडी साइज उतनी रहती है, पर इनके फिन्स के साइज जल्दी उतने बढ़ते नहीं है. ये वैरायटी के जैसे हाफ मून्स के वगैरह आप देखते हो. ओके, बिकॉज़ दीस आर मोर क्लोजर टू द वाइल्ड वैरायटीज. अच्छा, जैसे वाइल्ड यूजुअली देखोगे तो आपको वाइल्ड वैरायटीज के फिन्स शॉर्ट फिन्स होते हैं. जी जी, तो इनके प्लकेट वैरायटीज के भी शॉर्ट फिन्स रहते हैं. राइट, एंड दे आर कंपैरेटिवली मोर एग्रेसिव देन अदर हाफ मून्स एंड रोस्टेल वगैरह से. राइट, एंड काफी एक्टिव रहते हैं. इनको प्लकेट वैरायटी को ज्यादा केयर की जरूरत भी नहीं है कंपैरेटिवली. अच्छा, ये रही अगली बीटा फिश, पूरे येलो कलर के फिन से. ये वाली भाई कौन सी है? ये भी एक फैंसी वैरायटी है. जैसे आप देखोगे इसके बॉडी पे पूरा बॉडी सिर्फ बॉडी ब्लू है जी, एंड इसका फिन्स जो है दैट इज येलो इन कलर, गोल्डन येलो. राइट राइट, इट अगेन फॉल्स अंडर अ फैंसी वैरायटी. सो दिस इज द नेक्स्ट बीटा फिश विद अ शाइनी ब्लू कलर. ये वाला भाई क्या है? ये भी एक ब्लैक मिलानो जैसा. ब्लैक मिलानो मतलब ब्लैक एंड ब्लू का थोड़ा कॉम्बिनेशन रहता है. तो दिस इज ऑल्सो ब्लैक मिलानो, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक मिलानो, उसमें ब्लू शेड थोड़ा इसमें ज्यादा है. यूजुअली ब्लैक मिलानो में ब्लैक डार्कर साइड पे है. यस, ये थोड़ा ब्लूइश टोन थोड़ा इसमें ज्यादा है. विल फॉलो अगेन अ फैंसी में, फैंसी ओवर हाफ मून में आता है. सो यहाँ पे एक अगला बीटा है, इसका कलर बेहद खूबसूरत है, वाइट कलर है और बॉडी के ऊपर दूसरे कॉन्ट्रास्ट कलर्स भी है. ये वाला भाई क्या बोल सकते हैं इसको? ये एक स्मोक ग्रे कलर का है. अच्छा, रोज टेल में हाफ मून. ये एक रेड फैंसी वैरायटी है रोज टेल पैटर्न में. सो हियर इज अ नेक्स्ट बीटा फिश, व्हिच इज दिस वन भाई? दिस इज इट कम्स अंडर अ फैंसी कोई वैरायटी में आता है. अच्छा, जैसे इफ यू उसकी बॉडी पे अगर स्केल्स है, रेड कलर है, ब्लू, इट इज हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड कलर्स है जी. और इसके पीछे जो फीमेल आप देख रहे हो जी, द वर्टिकल स्ट्राइप दैट यू सी ऑन अ फीमेल, जो उसके बेली पे वर्टिकल स्ट्राइप्स रहते हैं जी जी, दैट प्रूव्स दैट अ फीमेल इज रेडी फॉर ब्रीडिंग नाउ. ओह, तो साहिल भाई, फारूक भाई, जब भी आपके शॉप में आता हूँ आपका बीटा कलेक्शन हमेशा मुझे इम्प्रेस करता हूँ. एंड ऑनेस्टली कहना चाहूँगा, जितने भी स्टोर्स में मैं आज तक विजिट किया हूँ, बहुत बार मैंने ये बोला है, आपका बीटा कलेक्शन हमेशा ही कुछ अलग है, कुछ क्लास अपार्ट है. बस क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी में इतने सारे ऑप्शंस हैं. लास्ट टाइम भी आया था तो एक आपकी बीटा मुझे बेहद पसंद आई थी, थैंक यू फॉर गिफ्टिंग दैट बीटा टू मी. तो वो आज तक ऐसी बीटा मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में रखी थी जो आपसे मुझे मिली थी. एंड इसलिए हमारे व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आता है आपके बीटा कलेक्शन को देखने में. सो हमने ऑलमोस्ट सारा स्टॉक आपका दिखा दिया, स्पेसिफिक बीटा का वीडियो था ये, बीटा फिश आपका सारे दिखा दिए. सो मुझे ये पूछना था आपसे कि सिर्फ आप क्योंकि बीटा फिश में डील करते हो, स्पेशल क्वालिटी के बीटा सेल करते हो, तो हमारे जो व्यूवर्स जो आपसे खरीदना चाहते तो लेना चाहते हैं, सिर्फ बीटा आप डिलीवर या सेल करते हो कि बीटा के अलावा उनको जो लगता है, जो एसेंशियल्स है, जो फिश फूड है, क्या वो सब भी आप सेल करते हो, वो सब भी आप प्रोवाइड कर सकते हो? बीटा के लिए जैसे मैंने बताया था, स्पेसिफिकली हमारे पास एक फिश फूड आता है व्हिच इज कॉल्ड बीटा बाइट्स प्रीमियम. ओके, ये इट इज स्पेशली फॉर बीटा फिशेस. इफ यू सी दिस ओवर हियर, ओके, दिस इज आवर प्रोडक्ट इटसेल्फ, यू कैन स्कैन द बारकोड एंड टेक यू टू आवर वेबसाइट एज वेल. ऑलराइट, सो ये जो फिश फूड आता है, इट इज यू कैन से मेड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड थिंग. पीपल फीड द बीटास अदर प्रीमियम फूड एंड ऑल, बट देन दे कंप्लेन टेलिंग दैट क्या वो फीड खाने के बाद उनको ब्लोटिंग स्टमक हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. बट आई कैन अश्योर यू विद दिस फूड it is not going to happen because we have around 500 to 7 fighters at a time and we feed them only this food and we haven't received any complaint from any of our genuine customers yet saying that ye fish ne khana nahi khaya hai ya accept nahi kiya is food ko after feeding specific brand foods. You get fighter fish ka food aata hai aapko 20 to 60 70 100 rupees tak aa jata hai, but this is of that range itself. But the quality of this food, it enhances the natural color of the food, it gives them a healthy diet and it improves the fin quality as well. So I would personally recommend, and this is a fish food that you won't get it anywhere else other than our shop. So if someone claims you saying that we have this food, just verify it from us first, saying that we have sold it to the specific person. Or else I had heard something that this fish food was available in Kolkata,
a couple of months back, even though I had not sent it, it was available in the quantity of 50 or 70 numbers. But that wasn't the genuine product. We hadn't sent it to Kolkata or any other state other than our shop. So please be aware of those fraud things and just give us a call before buying it from anyone else other than us about this food. And for another thing, like for betta, which you said, this is called a betta hammock kind of thing. If you see, this is a leaf which has a small attachment to it. What this is used for is this has to be placed. If you come closer, I'll just show it to you. Sure. This can be placed over here somewhere in the tank where the fighter fishes, they come and they rest. Okay. So this is also available with us. It is called a betta sleeping bed. Usually, actually, people call it the. Just say, upar se dekhoge, it has to be placed in a way so that the fighter can come and rest on this leaf. Okay. And because you see, sometimes it's a hang ho jate state sometimes. So what this leaves helps them, this gives up space for them where they can rest. Alright, Sahil bhai and Farooq bhai, thank you so much for inviting me at your shop. बहुत मज़ा है आपका beta collection देख के, and I'm very sure कि हमारे viewers को भी ये collection देख के बहुत खुशी हुई होगी, and I'm sure कि they'll come at your store and they'll visit your store and वो betas लेंगे. जो मुंबई में नहीं रहते, जो लोग बाहर से देख रहे, बिकॉज आर व्यूअर्स आर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सो जिनको बाहर से चाहिए betas, एक चाहिए, दो चाहिए, सो कैन दे कॉल यू? हाउ इज़ द प्रोसीजर? तो बेसिकली जैसे आपने सबसे पहले एड्रेस देखा, हमारा शॉप देखा, बीटा कलेक्शन देखा, साहिल भाई ने टेक्निकल चीज़ें बताई बीटा के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं, वैरायटीज़ देखा आपने. तो मैं जैसे बताना चाहूँगा कि हमारे पास तो काफ़ी वैरायटी है, और कहीं जैसे मुंबई से किसी को आना है हमारे पर, मैंने आपको वीडियो में पूरा डिटेल बताया, और बाहर से लोगों को समझ लो कुछ परेशानी की, दो बीटा भेज देना है उनको या तीन बीटा का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, तो पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी हमने वो चीज़ें स्टार्ट की है. हम दो बीटा भी बेच सकते हैं, तीन बीटा भी बेच सकते हैं, और क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी में भी बेच सकते हैं. और मैं सजेस्ट करूंगा कि मुंबई में जो रहता है तो स्पेशली उनको मैं इनवाइट करता हूं कि हमारे शॉप पर आइए, विजिट कीजिए. भले आपको नहीं लेना है, ठीक है, आप हमारा कलेक्शंस देखिए, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब आप खरीद लीजिए. और बाहर वाले लोगों को जैसे मुंबई से बाहर है, तो उनको मैं स्पेशली बोलता हूँ, मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा, अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट्स है दो तीन बीटा का, मैं चार पांच वैरायटी का बनाकर भेज सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी 500 के ऊपर फिश है, तो हम सब बीटास का वीडियो नहीं बना सकते. तो मैंने स्पेशली जितना मुझे कवर करना था, जो हमारा डिस्प्ले रखे, ऑलमोस्ट ये वैरायटी ही आपको सब पूरे बीटास में मिलेगी, और इससे अच्छी वैरायटी आई थिंक सो दूसरे शॉप में कलेक्शन आपको मिल जाए कहीं पर. तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली रिसेप्शन का, और हमारे व्यूअर्स ने जो कम्प्लीट ये वीडियो देख रहे हैं. और एक बार व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहूँगा, मेरा हमारा ये जो वीडियो है, जैसे लास्ट टाइम आपने कंप्लीट देखा था, इसको कंप्लीट देखिए और कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर कीजिए. हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नंबर दिया हुआ है, और साहिल भाई का नंबर है, मेरा नंबर है, आप कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़. ओके, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक इंसेप्शन फॉर ऑलवेज कमिंग एंड हेल्पिंग अस आउट फॉर द वीडियोस. एंड जैसा एंड दैट वाज अनदर डाउट एक था मेरे को, पीपल कभी कभी even call Farooq bhai and they call me for the same purpose. So I would request ki agar if you are coordinating with either Farooq or me, to just coordinate with any one of them. Aisa nahi hoga ki Farooq tells you ki 500 ka, I will not tell you 200. Aisa, it is not possible. So if you are communicating with either of us, either Farooq or, just keep the conversation with any of the one person. Varna fir confusion ye hota hai that even I am keeping a specific beta aside and then the other person, Farooq tells me ki ye kisi aur ne book kiya hai. So it becomes a misunderstanding. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप एक ही से कन्वर्सेशन में कॉन्टैक्ट में रहिए, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे, डिलीवरी मिल जाएगी, फिश फूड का डिलीवरी बॉम्बे में तो जैसे वी फास्ट या ऐसे जो नॉर्मल ऐप्स रहता है उसके थ्रू आपको डिलीवरी मिल जाएगी, आउट ऑफ बॉम्बे जो होता है DTDC वगैरह जो भी कोरियर सर्विसेज उसके थ्रू हो जाएगी. एंड इफ़ यू बाई इन क्वान्टिटी तो आपको ट्रेन से या फ्लाइट से एज पर योर प्रेफरेंस, एंड ये आपको वहाँ पर भी आउट ऑफ मुंबई भी डिलीवरी मिल जाएगी. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम एंड सी द स्टॉक before you buy it from anywhere else, or even if you don't want to buy it from your, don't want to buy it, doesn't matter, come and have a look at it. And I'm surely if you are looking out to buy for a beta and if you don't buy it from here, so that means you were not planned to come and buy something. Mm-hmm. So I would request, come have a look at it and just enjoy the beauty even if you don't want to buy. And thanks a lot for viewing our views. One more thing, हमारा exotic aquatic shop है, हमारा Instagram पर page है, आप जब भी हमारा स्टॉक आता है बीटा का, हमारा अपडेट्स वहाँ पर मिल जाता है. बहुत सारे लोगों की क्यूरियस होती है कि हमें अपडेट्स नहीं मिलता है. हमारा एक्जोटिक एक्वेटिक करके पेज है इंस्टाग्राम पर, आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और आपको वहाँ पर हर जब भी हमारा स्टॉक आएगा आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा कि ये दिन ये बीटा आ गया है। चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जी। श्योर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू कवर मोर वीडियोस फ्रॉम एक्सोटिक एक्वेटिक्स, सी यू सून, बाय, थैंक्स, बाय। This was today's video about the betta fish collection that is available at Exotic Aquatics Aquarium Fish Shop. इनके यहाँ पे at present more than 500 betas हैं. So अगर आप मुंबई में या मुंबई के आसपास के सिटीज में रहते हो तो ज़रूर इस शॉप में विजिट कीजिए. आई एम श्योर आप इनकी क्वालिटी देख के इम्प्रेस होंगे जिस तरह से मैं इम्प्रेस हुई. और हमने आपको ऑलमोस्ट सारे betas तो नहीं दिखाए बट कुछ चुनिंदा betas हमने आपको दिखाए जो इस डिस्प्ले सेक्शन पर है. सो आपको साहिल भाई का और फारूक भाई का नंबर ऑन स्क्रीन एज वेल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इनका एड्रेस और लोकेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.